गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास एट, दिस इज योर एसएसटी बुक कम्युनिटी एंड दिस इज योर चैप्टर कंटेंट्स हिस्ट्री जियोग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। कम टू द चैप्टर वन द मॉडर्न पीरियड। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट, मतलब कि बीते हुए दिनों को पढ़ना ही इतिहास है। ये हमारी बहुत मदद करता है हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को जानने में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या सोशल एक्टिविटीज को जानने में। साथ ही हमें ये भी बताता है कि हमने बीते हुए दिनों में क्या गलतियाँ की, उसे भविष्य में ना दोहराया जाए। पीरियड्स इन हिस्ट्री to dismiss measures, changes or events that occurred in different times in the past. Historians have divided history into three periods, ancient, medieval, modern. मतलब कि समय समय पर इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इसलिए हमारे इतिहासकारों ने इन समयों को तीन भागों में बांटा है, ancient, medieval and modern. Some historians say that the change from the ancient to the medieval period occurred with the arrival of Turks in India. Similarly, the change from medieval to modern occurred with the arrival of the British on the shores of India. And the 18th century is generally taken as the starting point of the modern period. Some of the defining features of the modern era are scientific progress, industrialization, colonization, and the urbanization or growth of cities. Time in history. In history, a particular date is not as important as the span of time. History that was taught a few decades ago was all political history. It is easier to define dates or events in political history. History में, इतिहास में dates को याद करना बहुत ही आसान है, जैसे year wise of the revolt of 1857, जैसे 1857 की क्रांति। मन में अब ये सवाल उठता होगा कि क्या year wise ही जरूरी है, month wise या कोई ऐसा और भी रीजन? बिल्कुल, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसे डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग उसे रीजन के साथ याद कर सकते हैं तो कुछ लोग ईयर के साथ, कुछ लोग मंथ के साथ, जैसे अक्टूबर की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर, रिवॉल्यूशन ऑफ नवंबर, और भी बहुत सारे तरीके हैं। सिंस द मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री लास्टेड फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वी हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड। These sources are divided into archaeological sources and literary sources. Archaeological sources means पुरातात्विक स्रोत, literary sources means लिखित स्रोत या साहित्यिक स्रोत। Archaeological sources Parliament House, राष्ट्रपति भवन, India Gate, Red Fort, Gateway of India and other monuments like buildings. Literary sources like government reports, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश, सर्वे या अदर डायरीज। दादाभाई नौरोजी रोटे प्रॉपर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और मॉडर्न पीरियड के बारे में समझिए। थैंक यू।